दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों को पाइवोट टेबल एक्सेल में कैसे करते हैं ये सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एबीसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में। तो सबसे पहले ये जान लें कि पाइवोट टेबल में हम करते क्या है। तो पाइवोट टेबल में हम किसी भी डेटा को समराइज करके हम अपने सीनियर्स को दिखा सकते हैं, उसको डिस्प्ले करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसा इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है एबीसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का, डेट 1/2/16, 1 से 11 जितना भी है जनवरी तक का एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस आइटम दिया हुआ है, प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है। अभी इस प्रोजेक्ट्स में हेड ऑफिस 2 बार आया हुआ है, तो हेड ऑफिस में इस प्रोजेक्ट में 1 जनवरी से लेके जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है एक मंथ पूरे में, कितने अमाउंट का एक्सपेंस हुआ है वो आप एक ही झटके में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, चलिए हम सीखते हैं। तो एक एग्जांपल आप देख लीजिए ध्यान से कि सीरियल नंबर, डेट, एक्सपेंसेस आइटम, प्रोजेक्ट्स और अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पाइवट करूँगा, पाइवट टेबल, यहाँ सिलेक्ट टेबल रेंज, उस पर क्लिक करूँगा और जो भी डिस्प्ले करना है डेटा को उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद एंटर आ जाएगा ये, फिर उसके बाद न्यू वर्कशीट में जाऊँगा क्योंकि हमको एग्जिस्टिंग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो शीट, तो मैं एक अलग लिया। अभी देखिए इस तरीके से एक टेबल आ जाता है, पाइवट टेबल। पाइवट टेबल फील्ड में जो भी आपका हेडिंग है वो आ जाता है, वो आप हेडिंग को अरेंज कर लीजिए। रो में सीरियल नंबर आ गया, रो में गया एक्सपेंसेस आइटम को ले लिया, कौन कौन से एक्सपेंसेस डेटा, अकाउंट है, फूड साइट है, एक्सेट्रा। उसी तरीके से प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट को कॉलम में दे दिया, अमाउंट को वैल्यूज में रख दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें डायरेक्ट आपको क्या आएगा, ग्रैंड टोटल आता है, लेकिन इसमें डेट नहीं है, उसको भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी जाएगी। ठीक है, डेट ले लिया, अभी हो गया समराइज। इसका ग्रैंड टोटल हम देख लेंगे कि जो भी 1 जनवरी से लेके लास्ट डेट है इसका 12 जनवरी, तो 1 जनवरी 12 जनवरी में खर्चे कितने हेड ऑफिस में, देखिए डायरेक्ट आ गया। ठीक है, उस टेबल से डायरेक्ट हमको नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया। तो इधर डेटा को समराइज करके इसने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया कि इस प्रोजेक्ट में इस डेट से लेके इस डेट तक इतना खर्च हुआ। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो बिल्डिंग एट बीटा में इतने पूरे एक्सपेंसेस आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप समराइज कर सकते हैं। देखिए 9667 है। ठीक है, अभी इस शीट का नाम आप दे दीजिए, पाइवट टेबल मैंने इधर ड्रॉ किया है। ओके, अभी मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसमें इसी टेबल में 2 पार्ट में ग्रैंड टोटल आता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें। ठीक है, तो देखिए इस साइड में ग्रैंड टोटल दिया हुआ है, अब ये 831 जो है 1 जनवरी में पूरे प्रोजेक्ट में कितना खर्च हुआ है सिर्फ 1 जनवरी में, तो उधर बात आया है। उसी तरीके से इसका ग्रैंड टोटल 1 जनवरी में टोटल कितना आया हुआ है, इतना है। ठीक है, इस तरीके से आप हर मंथ में कितना खर्च हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। ये भी एक तरीके से ग्रैंड टोटल आता है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेव आपका। अब इधर सेल पे क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल आता है, इधर क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल गायब हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज है जो मैं अपलोड करते रहता हूँ, आप उसे सीख सकते हैं। थैंक यू।